हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक बार सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जॉब वैकेंसी आपके लाए हूँ, जो आप आइदर फुल टाइम अगर आप इंटरेस्टेड है तो भी कर सकते हैं, और अगर आप एज ए फ्रीलांसर मतलब जब आपको टाइम मिले तब करना चाहते तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि जो पर्टिकुलर वैकेंसी है वो चेक के लिए, लेकिन ये चेक के लिए वैकेंसी है, लेकिन ये आपको थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई करने के फायदे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और आपको कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं डायरेक्ट चेक में। यहाँ पे आपको एक इजी तरीके से टेस्ट यहाँ पे आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, सब्जेक्ट कौन से मिलने वाले हैं और अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, सब कुछ इस वीडियो में इन डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको पता चल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, एक कंपनी है वो डायरेक्टली एसएमईज को हायर करती है, लेकिन कुछ थर्ड पार्टीज भी है जो डायरेक्टली हम जैसे एसएमईज है वो शेक को हायर करके देते हैं, ठीक है। यानी कि शेक एक क्लाइंट है और जो एजेंसीज है वो क्या करते हैं, हम जैसे ट्यूटर्स को वहां पे हायरिंग करके दे देती है, ठीक है। एक ऐसा ही एक एजेंसी ऐसी है जिसका नाम है रफीकी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हम जैसे क्लाइंट को हायर करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं उनके, जैसे कि शेक, बार्टल बेस, study.com, ओके, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हायरिंग करके देती है। अब इनका क्या होता है दोस्तों, इनके जो पेमेंट स्ट्रक्चर होता है वो शेक से थोड़ा सा अलग होता है। मतलब कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं, मतलब शेक का अगर केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो शेक का जो केमिस्ट्री के लिए पेमेंट है वो 97 पर रुपीज, सॉरी पर क्वेश्चन है, ओके। लेकिन जो ये जो क्लाइंट्स मतलब एजेंसी होते हैं उनका पेमेंट से कुछ मतलब 97 से कुछ एजेंसी का थोड़ा ज्यादा होता है और कुछ का थोड़ा सा कम होता है। सो आपको आफ्टर सिलेक्शन से यहाँ पे मालूम चलेगा। सो आज की पर्टिकुलर वैकेंसी है, ये जो एजेंसी है जिसका पेमेंट स्ट्रक्चर अभी तो उन्होंने कुछ मतलब रिवील नहीं किया है, आपको यहाँ पे उनकी उनकी द्वारा एक मीटिंग ली जाती है आपके सिलेक्शन के बाद, वहां पे आपको ये सब कुछ पेमेंट कितना है कब होता है आपको यहाँ पे मालूम चलता है। और जो पेमेंट साइकिल होता है जनरल हमें चेक में अगर हम डायरेक्टली रिजनेबल है तो हमें आप तो 15 तारीख तक मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेट होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन चांसेस थोड़े से मतलब इजी होते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं यहाँ पे आपको लगा लूंगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि मेन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी नहीं है, नोट दैट बायोलॉजी इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम। मैथ्स में एडवांस मैथ्स है, देन स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सब कुछ सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर आप इन सबसे बिलोंग करते हैं तो आप बेसिकली यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखो दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, जो पर्टिकुलर वैकेंसी है वो लिंक्डइन पे आई है, वहां पे मैं लिंक्डइन की लिंक पे डाल दूंगा, वहां पे आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। और इनका जो एचआर है, एचआर की ईमेल आईडी वो भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो बेसिकली आपको क्या करना है, एचआर के ईमेल आईडी पे आपका टीचिंग का या फिर सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट का एक सीवी आपको यहाँ पे सेंड करना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस सीवी में आपको मिनिमम 6 मंथ का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस आपको डाल देना, अगर नहीं है तो भी यहाँ पे डाल दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ी सी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल ही जाता है, ओके। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है यानी कि काम करना है वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो डायरेक्ट एसएमई हो सकता है या फिर रिस्ट्रक्चरिंग का हो सकता है, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब जो भी पहले किसी एसएमई ने आंसर दिए है उसको आपको फिर से रिपेयर करके फिर से प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना होता है, ठीक है। उसके लिए पेमेंट थोड़ी सी कम होती है, लेकिन आपको अगर डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हायर किया जाता है तो उसे ज्यादा पेमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो जरूर आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, बाकी का प्रोसेस है सिर्फ आपको पहले अप्लाई करके छोड़ दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन होते हैं तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे या फिर आपके मेल के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाएगा। और अगर आप टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो मैंने जो टेस्ट दिया था सिंपल एक क्वेश्चन, उन्होंने मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे दिए थे लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके देना था जो कि चेक के फॉर्मेट में होता है, वैसे आपको यहाँ पे एमएस वर्ड में सॉल्व करके देना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा प्रॉपर। अगर हम चेक में जाएंगे तो आपको वहाँ पे 10 या 15 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते हैं लेकिन बहुत टफ होते हैं, तो वहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिलेक्शन इजी से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दोनों तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मेल भी कीजिए उनको आपका सीवी, और डायरेक्टली लिंक्डइन से भी आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है।
और भी कोई इस मतलब वैकेंसी के बारे में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे आप जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से एक बार हम मिलेंगे एक नए प्लेटफॉर्म से, एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।